Yes, hello everyone. Good morning, all of you. We have completed till question number 13. Now we will have to discuss about question number 14, 15, and 16. These are the three questions of this chapter. Then we will have to do these question. Okay, student. Now we will have to solve these question. Question number 14 ka first. I will solve first part and then you will have to do second part. Without actual calculating the cubes, find the value of each of the following. First one, आपके पास दिया उसने -12 cube plus c1 cube, right? और plus 5 cube. Okay student. तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ये a है, ये a है, a की value -12 है, b की value आपके पास ये है यानी कि 7 है, और c की value आपके पास कितनी है, 5 है. अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूँ स्टूडेंट, तो देखना जरा a की वैल्यू कितनी है -12, b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू कितनी है 5. तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो ये माइनस का 12 और प्लस ये है, तो प्लस का 12 ये हो गया, तो कितनी वैल्यू होगी, 0. यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 0 आ गई. ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वी नो दैट, हम फॉर्मूला जानते हैं. क्या जानते हैं स्टूडेंट, वी नो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट स्टूडेंट, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस सी. यही तो होता है फॉर्मूला. बट इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये अगर 0 तो सब कुछ 0, तो वैल्यू बन जाती है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू 0. तो ये पार्ट उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC. आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया कि हाउ कैन यू मेक दिस फॉर्मूला. ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 था वो उसमें प्रूविंग भी यही थी, बस उसमें एक्स वाई जेड दिया हुआ था. तो ए की जगह आपके पास कितना है, -12 है, तो ये क्यूब किया. बी की जगह कितना है, 7 है, तो ये 7 की क्यूब किया. और सी की जगह कितना है, 5 है, तो 5 की क्यूब किया. इज इक्वल टू कितना है, 3. ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7, और सी की वैल्यू कितनी होगी, 5, राइट स्टूडेंट. तो इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, इसको ईजी है इससे मल्टीप्लाई करना, इसको ईजी इससे. तो 7 3 20 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई. और 12 5 जो कितना आएगा, -60. ठीक है, तो ये आ गया माइनस का भार, 0 भार, 6 1 6 और 6 2 12, तो 1 2 कितना आया, 60. दिस इज़ अ आंसर, राइट स्टूडेंट. ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर, आपका इसका सेकेंड पार्ट होगा वो आप खुद करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए जरा. क्वेश्चन नंबर 15 पे उसने आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपसे बोला है कि गिव एग्जाम्पल. उन्होंने आपसे बोला है स्टूडेंट, गिव एग्जाम्पल, राइट. वेट अ मिनट, यस. क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, वो कह के गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन. एरिया आपके पास कितना दे रखा है स्टूडेंट, ये दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस का 12, ये दे रखा एरिया. हमें पता है एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसकी ये लेंथ होगी स्टूडेंट. सॉरी फॉर दैट, मैं करने लगा और वीडियो ओपन नहीं की, सॉरी फॉर दैट. यस स्टूडेंट, ये एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, फाइन. तो देखो जरा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे. सबसे पहले 12 की हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. जब 12 की हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मे बी 300 आएगा. करके देख लो, 25 2 50 और 25 1 और 5 ये करेंगे, ठीक है. तो इस 300 के आपको फैक्टर ऐसे करने कि प्लस करके ये आ जाए. अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, कैसे कर दें, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 20 में अगर कर दें, तो देखो 15 2 कितना आएगा, 30. तो ये आ गया, 15 को 20 को ऐड करने तो आपके पास ये तो आ जाएगा 35, राइट स्टूडेंट, मे बी आई एम राइट. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे.
तो इसके आप फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने के बाद आपके पास जो आएंगे वो लेंथ और ब्रेथ आपके पास निकल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखो जो करते हैं, ये 25a² माइनस का यहाँ पे हमने लिख दिया 15 प्लस 20a बाहर प्लस का 12 किया, ठीक है। तो ये आया 25a², इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की, तो माइनस का 15a हो गया, और माइनस का कितना आ गया 20a हुआ, प्लस का 12। ओके स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन है, तो हमने 5a कॉमन ले लिया, 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 5a बचेगा, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। माइनस का इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 5a, और माइनस प्लस माइनस, और 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, तो ये आपके पास पार्ट आ गया, राइट स्टूडेंट। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक तो वैल्यू आ गई आपके पास 5a, ठीक है, माइनस 3, और दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 5a माइनस 4, राइट। तो हमें पता है एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू ब्रीथ, बी तो होता है यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ। तो किसी को भी आप लेंथ मान लीजिए, अगर मैं इसको लेंथ मानता हूँ, ठीक है, यानी कि लेंथ एल की वैल्यू कितनी आएगी 5a माइनस 3, ठीक है, देन अब बी कितना आएगा ब्रेथ 5a माइनस 4, राइट। यूनिट, यूनिट जरूर यहाँ लिख दें आप, राइट स्टूडेंट, क्योंकि किस ना कुछ यूनिट ज़रूर होती है। और या फिर अगर हम लेंथ इसको लेते हैं तो ब्रेथ ही लेना पड़ेगा। लेंथ आपके पास अगर ये है 5a माइनस का 4, ठीक है, तो यूनिट, राइट, तो ब्रिथ जो होगी वो कितनी होगी आपके पास, वो होगी 5a माइनस 3 यूनिट, फाइन। ऐसे ही आपका इसका सेकेंड पार्ट है, वो भी खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकेंड आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट, 16 की हम बात करते हैं, देखो 16 में उसने दे रखा, वॉट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच ही तो होता है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये। तो ये चीज़ अब आप इसके फैक्टर करेंगे, कितना है आपके पास 3x² माइनस का 12x, फाइन। इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 3x कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ओके, तो ये थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये l है, ठीक है, ये b है, और ये आपके पास कितना है h है, राइट। तो कोई सा भी L हो सकता है, कोई सा भी B, कोई सा भी H, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ इक्वल टू कितना आ गया 3 यूनिट, फाइन। ब्रेथ कितना हो गया आपके पास x यूनिट, फाइन, और हाइट कितने हो गया आपके पास x माइनस 4 यूनिट, राइट। ऐसे आपके और भी पार्ट बन जाएंगे। उसने आपसे पूछा था कि वॉट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन इन द ए। उसने बोला था वॉट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन, तो पॉसिबल तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो कैसे सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे लेंथ मान लिया, ये आपने ब्रिथ मान लिया, ये आपके पास हाइट मान लिया, राइट स्टूडेंट। तो हो सकता है भाई ये जो आपके पास ये वाले पार्ट थे इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। मान लिए लेंथ ये 3 होगी, ब्रेथ आपके पास x होगी, और हाइट आपके पास कितनी होगी x माइनस का 4 होगी, राइट। सेकेंड कंडीशन में हो सकता है आपकी बात, अब ये इसको आप x मान लो लेंथ, ठीक है, उसको 3 को आप ब्रेथ मान लो, राइट, और उसको आपके पास हाइट ही मानो, क्लियर। अगेन अब क्या कंडीशन हो सकता है, हो सकता है कि आप लेंथ x माइनस का 4 को मान लो, ठीक है, हो सकता है आप इसको ऐसे रहने दें, राइट, हो सकता है उसको आप x मान लें हाइट को, गो डाउट। हो सकता है आपने इसमें लेंथ को आपने ये 3x मान लिया, राइट, हो सकता है आपने यहाँ पर ब्रेथ को आपने यहाँ पर x माइनस का 4 मान लिया, हो सकता है यहाँ पर आपने 1 मान लिया, हो सकता है ये 1 यहाँ मान लो, ये यहाँ मान लो, ये यहाँ मान लो, बहुत सारे पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इतने यूनिट्स में आंसर आ सकते हैं, तो नो नीड, आप केवल यही लिखिए, यही वाला पार्ट आपका आंसर बेटर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यू विल गेट द मार्क्स अगर आप ये भी लिखते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो नो नीड, ये एक्सरसाइज, योर एक्सरसाइज हैव कम्प्लीटेड नाउ, ओके, थैंक यू एवरीवन, यू विल हैव टू डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट, ओके, फाइन, थैंक यू एवरीवन।